कि क्या भैया हम लोग को VIT भोपाल और ये वाले कॉलेज लेने चाहिए क्या, मतलब जैसे VIT चेन्नई, VIT वेल्लोर नहीं मिल रहा, चेन्नई भी चलो ठीक है, और क्या VIT भोपाल लेना चाहिए? भैया हम लोग को KIT में CSE मिल रहा है, तो क्या हम लोग, और यहाँ पे VIT में हम लोग को थोड़ी दूसरी ब्रांचेज मिल रही है, जैसे सिविल मिल रही है, मैकेनिकल मिल रही है, तो हम लोग वहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, केमिकल हो गई, बायोटेक हो गई, हाँ सिविल भी हो गई, क्या ये वाली ब्रांचेस लें? तो इसी के साथ अपन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर तुम लोग ने इस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो हे गाइस, आयुष्मान मेसवारी। यार कल मैंने लाइव स्ट्रीम करी थी 2 घंटे की, लेकिन तब भी यार काफी सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए थे। वो तब भी पूछ रहे थे कि यार इस रैंक पे कौन सी ब्रांच मिलेगी, इस रैंक पे कौन सी ब्रांच मिलेगी। तो मैंने बेसिकली एक टेबुलर फॉर्मेट में सारी डेटा इकट्ठा करके लिखा है, और वो तुम लोग को डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे फोटो में, तो उसको देख लेना। और साथ ही साथ यार वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर करे हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो, शायद तुम लोग ने हाईलाइट्स में देख ही लिया होगा। ठीक है, एंड तक देखना, क्योंकि शायद हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और फिर तुम बाद में तुम्हें कमेंट सेक्शन में पूछने की जरूरत ना पड़े। अगर एंड तक नहीं देखोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारा ही नुकसान है, तो फिर वॉच एट योर ओन रिस्क। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन क्लोजिंग रैंक्स की बात करें, तो जैसे तुम लोग देख सकते हो बायो इंजीनियरिंग अपन का आ रहा था, अपन के पास देखो यार बी जो इंडस्ट्रियल डिजाइन और बायो इंजीनियरिंग है, इसका तो डेटा नहीं है मेरे पास, क्योंकि काफ़ी कम लोग इसमें हैं, इस ब्रांच में, अगर सच बताओ। फिर अपन की बात आती है बायोटेक की, तुम लोग देख सकते हो कि कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 की सबकी क्लोजिंग रैंक्स लिखी हुई है। ये जो क्लोजिंग रैंक्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, तो उसको ऐसा मत मान लेना कि यार यही आखिरी रैंक है, ये एक लगभग रैंक बनाई है मैंने, है ना, मतलब लगभग ये मुझे खुद मिली है, किसी ने मुझे दिया है यहाँ से, तो ये लगभग एक रैंक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इसमें लिखा हुआ है, जैसे अब तुम देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए इसमें लिखी हुई है 3 के अप्रॉक्स, है ना, तो ए मतलब अप्रॉक्स होता है 3 के अप्रॉक्स, और पिछली बार अपन ये ली थी 3.5 के। ये जो अपन का है ना, ये पिछले साल का डेटा है, पूरा पूरा का पूरा पिछले साल का है। इस साल का मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा एग्जैक्टली, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स थे इस साल और पिछले साल में जिसमें फ़र्क है। जैसे पिछले साल मेंस में काफ़ी काफ़ी सारे बच्चों का मेंस ख़राब हो गया था, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया था अपन का दूसरे कॉलेजेस के लिए। सिमिलरली जो इस साल अपन का ये लोग बोर्ड्स के बेसिस पे भी ले रहे हैं, मेंस के बेसिस पे ले रहे हैं, तो इस साल का बेसिस पूरा अलग है। इस साल का तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कट ऑफ कैसा जा सकता है, लेकिन तुम लोग अप्रॉक्स रैंक मान सकते हो कि यार यहाँ से ये सब है। तो तुम लोग देख सकते हो कि इसमें जितने भी अपन की स्पेशलाइजेशन है कंप्यूटर साइंस की, वो सारी कवर्ड है, चाहे वो डेटा साइंस हो, डेटा एनालिटिक्स हो, गेम टेक्नोलॉजी हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, साइबर फिजिकल सिस्टम्स हो। ज़्यादातर इसमें जो यहाँ से जो ब्रांच है यहाँ से ही अपन की वेलोर की है, लेकिन तुम देख सकते हो कि जैसे गेमिंग टेक्नोलॉजी, शायद गेमिंग टेक्नोलॉजी अपन की भोपाल में आती है। ठीक है, तो नहीं शायद गेमिंग टेक्नोलॉजी, हाँ भोपाल में आती है, इसलिए यहाँ पे जो उसने नील लिखा हुआ है। ठीक है, ये अपन का केवल और केवल वेल्लोर कैंपस के लिए, तो देख लेना, बाकी सारी ब्रांचेस का लिखा ही हो तो तुम लोग देख ही सकते हो। यार ऐसे इस फोटो की मैं यहाँ पे यार मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो तुम उसको जाके भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अगर करना। तो मैकेनिकल का दिया हुआ है, मैकेनिकल विद स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CS की जितनी स्पेशलाइजेशन है वो है, केमिकल दिया हुआ है, सारी बातें तो दी हुई है ना, EC भी दिया हुआ है, तो उसमें अपन को लग नहीं लगी कोई दिक्कत आने वाली है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, इंपॉर्टेंट बात तो ये तुम लोग रैंक वैंक तो देख ही सकते हो, इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे पहला क्वेश्चन जो ज़्यादातर लोगों को आ रहा था कि क्या भैया हम लोग को VIT भोपाल और ये वाले कॉलेज लेने चाहिए क्या, मतलब जैसे VIT चेन्नई, VIT वेल्लोर नहीं मिल रहा, चेन्नई भी चलो ठीक है, और क्या VIT भोपाल लेना चाहिए? मैं प्रिफर नहीं करूँगा VIT भोपाल को, क्योंकि अभी तक उनकी बिल्डिंग बनी नहीं है, पहली बात, दूसरी बात वो काफ़ी नया है, तो उसको अभी प्लेसमेंट्स में उनको काफ़ी टाइम लगने वाला है, मतलब VIT भोपाल अच्छा नहीं है, तो मत जाना वहाँ पे VIT भोपाल में, बिल्कुल भी मैं प्रेफर नहीं करूँगा। दूसरा, भैया हम लोग को KIT में CSE मिल रहा है, तो क्या हम लोग, और यहाँ पे VIT में हम लोग को थोड़ी दूसरी ब्रांचेज मिल रही है, जैसे सिविल मिल रही है, मैकेनिकल मिल रही है, तो हम लोग वहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए? KIT का मुझे स्टैट्स इतना पता नहीं है, लेकिन मैं तब भी KIT को इतना प्रेफर नहीं करूँगा वो, क्योंकि इतना अच्छा कॉलेज नहीं है अगर मैं सही बताऊँ तो KIT। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू VIT। तीसरी बात, काफ़ी सारे लोगों को यार जैसे बोल रहे, काफ़ी सारे लोग कल डाउट भी पूछ रहे थे कि सिविल सिविल नहीं सॉरी केमिकल हो गई, बायोटेक हो गई, हाँ सिविल भी हो गई, क्या ये वाली ब्रांचेस लें VIT में? मैं प्रेफर करूँगा मत लो, क्योंकि जैसे बायोटेक हो गई, केमिकल हो गई, ये वाली ब्रांचेस के अपन के जो NITs के कट ऑफ होते हैं वो काफ़ी नीचे तक जाते हैं, नीचे तक मतलब काफ़ी लोअर रैंक तक जाते हैं, मतलब अकेले NIT वारंगल का जो बायोटेक का कट ऑफ है वो पिछली बार गया था 30,000, जबकि NIT वारंगल सेकंड बेस्ट NIT है अपने इंडिया का। तो तुम लोग देख सकते हो कि जो बाकी सारे NITs हैं उसके भी नीचे तक जाएंगे, तो मैं प्रेफर करूंगा कि अगर तुम लोग को वहाँ पे मिल रहा हो तो वहाँ पे डेफिनेटली लो बायोटेक या केमिकल, बजाय कि एक प्राइवेट कॉलेज, मतलब कोई भी प्राइवेट कॉलेज, है ना। तो मैं तो यार बस यार यही प्रेफर करूंगा कि
तो यही अपन के 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके ऊपर काफी सारे डाउट आ रहे थे कि यार KIT लूँ या फिर ये लूँ, दूसरा मुझे केमिकल या बायोटेक मिल रहा है क्या मैं लूँ। देखो लेने को ले सकते हो, लेकिन एज एन एल्डर ब्रदर मैं प्रेफर नहीं करूँगा यहाँ पे लेने को, ठीक है, क्योंकि ये वाला कॉलेज जनरली मतलब अपन का CSE और IT के लिए काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा और थोड़ा हद तक अपन का EC के लिए। तो ये अब तुम्हारे ऊपर है, बाकी तो आई गेस सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर तब भी हो तो फिर कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो एंड तक देखी हो तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। इस बार अपन टारगेट रखते हैं यार यहाँ से 250 लाइक्स का, 250 लाइक्स वीडियो को कर देना 250 लाइक्स, क्योंकि अब देखो सुबह उठ के मैंने बनाई, क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने कल रात में ही अपन का किया था लाइव स्ट्रीम और अभी सुबह हो रही है ना, तो अभी अभी सुबह उठ के सीधी बनाई है वीडियो, क्योंकि मुझे लगता था काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए। तो लाइक कर देना अच्छी लगी हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।